अब इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप में से कुछ लोगों को शापित वीडियोस देखने का आइडिया अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने इनमें से काफी वीडियोस को आधा दिखाने का फैसला किया है। सो ज्यादा घबराने वाली बात कोई नहीं, तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। 1986 में टिश्यूज बनाने वाली कंपनी क्लीनेक्स ने इस विज्ञापन को जापान में चलाया। It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. They walk by the grass and they look at the grass, they look at the sky. It's going to be a fine night tonight, it's going to be a fine day tomorrow. Kleenex tissue desu. विज्ञापन के कुछ दिनों बाद ही लोगों ने इसकी शिकायत करनी शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि विज्ञापन की आवाज दिन के समय कुछ और देर रात में कुछ और सुनाई देती है। इनमें देर रात का वर्जन काफी अजीबोगरीब था। ज्यादा शिकायतों की वजह से थोड़े वक्त बाद ही इस विज्ञापन को टीवी से हटा दिया गया। जैपनीज अर्बन लेजेंड के मुताबिक इस विज्ञापन में काम करने वाले लोग या तो बीमार पड़ गए या उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ। 2006 में जब ये विज्ञापन इंटरनेट पर आया तो इसके शापित होने की अफवाहें दोबारा शुरू हो गईं। YouTube के कुछ यूजर्स ने दावा किया कि अगर इस एड को आधी रात को देखा जाए तो ये बिल्कुल बदल जाती है। ये दावा बिल्कुल वैसा ही है जो 1986 में एक व्यक्ति ने टीवी पर इसे देखकर किया था। एक यूट्यूबर ने बताया कि उसने आधी रात में ऐड के भूतिया होने की घटना को कैमरे में फिल्माया। It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. They walk by the grass and they look at the grass, they look at the grass, it's going to be a fine day tonight. तो क्या ये विज्ञापन सच में शापित है या फिर अच्छी तरह एडिट की गई एक नकली वीडियो? आप बताइए, आपको क्या लगता है? ओबेदा वॉलरूस एक दक्षिण अमेरिकी संप्रदाय ला मोरसा द्वारा बनाई गई है और कहा जाता है कि वीडियो को पूरा देखने पर कई सारी बुरी चीजें आपके साथ घट सकती हैं। वीडियो के शुरू में अजीब सा गाना प्ले होता है और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती है उसकी आवाज खराब होना शुरू हो जाती है। इसके बाद कोई डिसेबल्ड इंसान डांस करता है या करती है जो काफी अजीब लगता है। ये वीडियो इतनी डिस्टर्बिंग थी कि मैंने ये पूरी भी नहीं देखी। कहा जाता है कि जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा उन्हें मितली चक्कर और सीने में दर्द महसूस हुआ। अब मैं पूरी वीडियो तो नहीं दिखा सकता, मगर ये रहा उसका एक छोटा सा पार्ट। वेल, आपको ये अजीब लगी या नहीं? इंग्लैंड की रहने वाली जेन हैरिस एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, जो दावा करती हैं कि उन्हें ये गुड़िया इसके डरे हुए ओनर ने भेजी थी।
इसके असली मालिक ने बताया कि जब तक ये गुड़िया उनके पास थी तब तक उन्हें डरावने सपने, सर दर्द और यहाँ तक कि तेज चक्कर भी आते थे। जेन हैरिस ने तुरंत इस डॉल के साथ कई पैरानॉर्मल प्रयोग करने शुरू कर दिए। ये सब तब और सच लगने लगा जब जेन ने पेगी की वीडियोस को ऑनलाइन अपलोड किया। काफी सारे लोगों ने शारीरिक तकलीफों के बारे में बताया जब उन्होंने पेगी की बस फोटो को ही देखा। इनमें से एक लड़की ने तो हार्ट अटैक भी महसूस किया। और सच बताऊं तो वीडियो देखते हुए मेरा भी सिर दर्द होने लग गया था। Are you afraid of something? Are you angry with someone? You're angry with someone. Is it someone that hurt you? Is that Peggy? Are you making those noises? अपने एक्सपीरियंस से मुझे तो ये सच में शापित लगती है। आपको कुछ महसूस हुआ या नहीं? 2014 में एक डरावनी वीडियो YouTube पर छाई थी जो IE Wire नामक YouTube चैनल पर अपलोड की गई थी। IE Wire ने बताया कि उसने एक शापित वीडियो के बारे में सुना था जिसे WPKEPKW कहते हैं। वीडियो में कहा गया कि WPKEPKW में एक व्यक्ति को मरने से पहले फिल्माया गया था और कुछ कहते हैं कि इसमें अमेरिकी सरकार द्वारा किया गया एक एक्सपेरिमेंट है जो काफी गलत दिशा में चला गया था। हालांकि दोनों दावों में एक बात आम है कि जो कोई इसे देखता है उसके लिए एक भयानक श्राप इसमें छिपा रहता है। IE Wire ने बताया कि YouTube पर पहले उसे सर्च करने पर यह वीडियो नहीं मिली, मगर कुछ हफ्तों बाद उसे ये मिल ही गई। IE Wire के मुताबिक ये वीडियो बार बार अपने आप उसके कंप्यूटर पर दिखाई देती रही। तो ये वीडियो सच में शापित है या फिर IE Wire द्वारा किया गया एक मजाक? इस वीडियो की कहानी के मुताबिक ये मिकी माउस का एपिसोड है जो 1930 में बनाया गया था। बताया जाता है कि एपिसोड को जब एडिटर ने रिव्यू किया तो वो पागल हो गया और स्टूडियो से चिल्लाते हुए बाहर निकलकर उसने एक सिक्योरिटी गार्ड को घायल कर दिया, फिर उसकी गन उठाई और खुद को चेहरे पर गोली मार दी। जिन लोगों ने इस एपिसोड को देखा उन्होंने बताया कि उन्हें घबराहट हुई और उनके मन में मरने का विचार भी पैदा हुआ। इस वीडियो में कुछ ज्यादा डरावना दिखाई नहीं देता और एंड में जब एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है तो मिक्की माउस हंसने लग जाता है, मानो उसे इस चीख में मजा आ रहा हो। चलिए इस वीडियो के एक छोटे पार्ट को देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।